14th of September 1981, explanation of Trihati part 4. इबादत के तरीके और हैं और जो मजहब के दूसरे तरीके हैं औरों के तो हमारे से थोड़े थोड़े मिलते हैं लेकिन बड़ी तकावत है। आजकल की दुनिया में लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जो मेडिटेशन का नाम सुनते हैं मेडिटेशन के पीछे भागते हैं। यूरोप अमेरिका में इंडिया में स्कूल खुले हुए थे। यहाँ की दारुसलाम के अंदर कुछ बरस पहले ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए जिसको TM कहते हैं इधर चालू होने की ट्राई हुई थी मगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया। ये जो यूरोप अमेरिका में जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं उनका एम क्या होता है वो एडवर्टाइज करते हैं। तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल टेंशन निकल जाएगी, तुम्हारी मगज की इरिटेशन सब निकल जाएगी। सच्ची बात है नहीं तो ये चीजें मिलती हैं नहीं। हमारा एम ये है कि हम तो हजरत इमाम का नूर देखना है। हमारा एम ये नहीं कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हमारा एम ये नहीं कि हमारी मेंटल टेंशन ठीक हो जाए। वो चीजें तो आने ही वाली है, लाडी आएगी तो देर ही आएगा, लेकिन जो कभी देर के पीछे पड़ो तो लाडी से दूर जाएगी। यहाँ लाडी हाजिर ईमान का नूर है। हमारा एम जो है इस्माइली मजहब का, हमारी इबादत का तरीका ये है नेक बनो, पाक बनो, पवित्र बनो, अपने आमाल कैरेक्टर विचार अमल सब सुधारो और ये एम बनाओ कि हमको हजरत इमाम का नूर मिले और हम जब मर जाएं तो हमारा आत्मा उस मौला के नूर से मिल जाए। ये हमारा एम है। दूसरी दुनिया की जो मेडिटेशन है उसमें और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क ये है। लगभग दुनिया के तमाम मजहबों के अंदर उनकी जो किताबें और उनके बड़े लोग विद्वान पंडित साधु मिशनरी में सबसे मिला हुआ शिंटो मजहब की बातें देखने सुनने के लिए मैंने जापान का सफर भी किया। इसमें भी मजहब जैसा मजहब की नजर नहीं, ये इसीलिए बात सुनी मजहब है। हमारा जो एम है दुनिया में किसी का एम नहीं कि हम मरने के बाद मौला के नूर के साथ मिल जाए, लेकिन हयाती के अंदर भी हमको मौला का नूर मिले ये हमारा एम है। उसके लिए हम आगे करते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो ये अगर एम अपने मन में रख के उसको पानी देते रहो कि वो एम जीता रहे मर न जाए। इस तरह खेतर बोते हैं तो उसमें पानी देते हैं कि सूख न जाए। इसी तरह से इंसान का जो ईमान है वो भी सूख जाता है। अगर ईमान को पोषण नहीं मिले तो ईमान सूख जाएगा। जिसकी रस्म बराबर नहीं उसका ईमान सूख जाएगा। जो तीन वक्त की दुआ बराबर नहीं पढ़ता उसका ईमान सूख जाएगा। जिसने बैतुल ख्याल का बोल लिया है और इबादत नहीं करता, कहीं सतर्क पड़े तो चले आए और बैठे, तो उसका भी ईमान हरा होने वाला नहीं है। ये तो बड़ी मेहनत के तरीके हैं। पहले जमाने के लोग राज छोड़ के तो ये बात के पीछे पड़ते थे। आज ईमान ने हमारे लिए सब पहला कर दिया है। तो आज हम ये चौथी बैठक शुरू करते हैं। चौथी बैठक में चौथा भाग है इसकी हस्ती का और ये शुरू होता है जे। फारसी भाषा का एक लेटर है अक्षर जे। जे जोर गंगा जमुना
وقت چلا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی دنیا کی شکتی طاقت نہیں، راجہ نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، مگر اس کا سب چلتا ہے۔ جو عابد ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو نیک ہیں، سب چلنے کا مطلب جب وہ کسی کو دعا دیتے ہیں ان کی زبان کا کلام نکلتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، یہ سب چلنا۔ وہ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کا سب چلتا ہے، اور خود کے اندر بھی ان کی نیکی، عمل، آمان، جو کچھ بھی ہے، اس کے تمام کاریہ کرم کے اوپر، وچاروں کے اوپر، عمل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ زور بنا سب چلا، اس کو کوئی اتھارٹی دنیا کی نہیں، مگر حکومت نہیں، راج نہیں، اس کی خطا چلتی ہے، اور گنگا جمنا کے بیچ میں سرسوتی لاگ ہے۔ انڈیا کے اندر گنگا اور جمنا جدھر ملتی ہیں ہر دوار کے پاس، وہاں سے سرسوتی ندی نکلتی ہے۔ تو یہ جگہ یہ ہے ہماری تیسری، یعنی سیڑھی، ناتھ یو ون ٹو اور تھری، جو نمبر میں نے بتایا کہ تھرڈ اسٹیج کے اوپر جا کے جہاں گنگا جمنا یعنی انگلا پنگلا، ہماری دو ناکیں، سانس کی جو دو رکھتے ہیں، دونوں سانس چلے، اور سوینی کے اوپر اندر کی ناڑ بھی چلتے، سب پیسے جس کے کھلے ہوتے ہیں، ایزی ہوتے ہیں، تو یہ سب چلتا ہے۔ عبادت میں لگتی ہے تو انسان کا شریر، من پاک ہو جاتے ہیں، ویر، ویرودھ، دگا، پھٹکا، کینہ، بغض، حسد، من کی سب بدیاں نکل جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں آدمی نے سنان کیا ہے، نہا بیٹھا ہو ہے، اس کے وچار پوتر ہو جاتے ہیں، اس کو گالی دو گے برا نہیں لگے گا، اس کا برا کرو گے تو بھی بدلا نہیں لگے گا، تو اس کا جو من ہے نا پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب من پاک ہوتا ہے تو تن پر اس کا اثر ہوتا ہے، حسد خور آدمی، کینہ گوبت والا آدمی، دوسروں کو دیکھ کے جو جلتا ہے وہ آدمی، اس کے شریر میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، موڈ اس کا پھیکا ہو جاتا ہے، رونق ہوتی ہی نہیں، وہ ہنستا ہے تو بھی معلوم ہوتا ہے چڑا ہوا ہے۔ لیکن جو عابد ہیں، بھلے اس کا رنگ کالا بھی ہوگا مگر خوبصورت لگے گا، اور بدماش آدمی بھلے سفید رنگ کا ہوئے گا لیکن بھیجا لگے گا، اس کا اثر پڑتا ہے، نور کا اثر ہوتا ہے۔ تو ترویڑی تن کے اندر جو یہ جگہ ترویڑی کی ہے، وہاں تم اپنا دھیان لگا کے سنان کرو، غسل کرو، جس طرح غسل کرنے سے پسینہ، میل، کچرا شریر کا پاک ہو جاتا ہے، ایسا ہی ترویڑی کے اوپر دھیان لگانے سے آدمی کا من انت پر پاک ہوتا ہے۔ جب وہ پاک ہوتا ہے
तो अपने महबूब को मिलने के लिए तैयार होता है। हरिजल भीजे कोई संत सुजान, हरि का मतलब है दुख दूर करने वाला, और जल पानी को कहते हैं, तो हरिजल का मतलब हुआ दुख दूर करने वाला पानी, यानी वो पानी जिससे नहाने से अंदर की तमाम मैल बदियां बुराइयां गुनाह वगैरह जो जीव को दुखों में डालते हैं सब दूर हो जाते हैं। हरी जल मारिफत का समुन्दर है, इसको नूर का समुन्दर भी कह सकते हैं। इसका जिक्र बुज निरंजन में पहले पाठ में भी सदरुद्दीन ने फरमाया है, लेकिन इस हरी जल में गुस्ल करना हर किसी का काम नहीं, इसमें तो वही डुबकी लगावे जो संत सुजान हो, यानी होशियार आबिद हो, हकीकत को समझने वाला मोमिन हो। ये नूर का समुंदर इंसान के अंदर है जो सच्ची इबादत से मिलता है। मुझे कोई संत सुजान, और यहाँ मैं लेता हूँ तो हरी जल भीजे, मौला के दिए हुए पवित्र पानी के अंदर स्नान करो, तो ये भी किसी संत सुजान को ये दर्जा मिलता है। तो दोनों साथ चलने से उसकी वाइब्रेशन होती है, वो जो वाइब्रेशन है वाइब्रेशन का असर होता है ऊपर। जब भी वो तन के अंदर सुखमना की ध्यान सुरती बराबर जो लगे, तो हमारे सारे बदन के अंदर सिर से लेके पांव के अंगूठे नाखून तलक एक बिजली की लहर भागती है, हमको फील होता है। एक सेकंड की बात होती है, लेकिन आबिद को इबादत करने वाले को फौरन पता लग जाता है, और यदि वो चमक पैदा होती है शरीर में, उसके बाद उसको सुख मिलता है, शांति हो जाती है। तो सुखमना जब तन के अंदर बजती उसकी वाइब्रेशन शुरू होती है, तो अनहद हद बिगर घोर कहते हैं एक्सप्लोजन को, जैसे आसमान के ऊपर बादल गरज होती है ना, घोर कहते हैं गरजना को, गगन कहते हैं आसमान को। हमारे अंदर भी आसमान है, तो जो ऊपर के दरजे हैं उसकी वाइब्रेशन से ऊपर के दरजों तक उसकी आवाज पहुंचती है। ये वाइब्रेशन तीसरे दरजे पे होती है, लेकिन ऊपर के दरजों तक उसकी आवाज जाती है, अनहद घोर गगन में गाजे, फिर वो उसकी गरजना होती है। बाज दफा जब भी हमको इबादत में कोई नई वस्तु मिले तो बहुत से लोग डर जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो, मौला का जो रास्ता है उसमें कोई खौफ नहीं, लेकिन चूंकि हमें इन चीजों का अनुभव नहीं, पता नहीं, तो हमारे दिल के अंदर डर पैदा हो गया। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इबादत के रास्ते में कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं, कभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम चूंकि कमजोर हैं, और जब कोई नई चीज मिलती है तो हम इसके अंदर वो वस्तु नहीं, लेकिन कुछ निर्जन में इस सदरुद्दीन ने जगह फरमाया कि इंसान हैरत में आ जाता है। हैरत यानी इंग्लिश में बोलते हैं ऑ,
सरप्राइज सरप्राइज नहीं बल्कि ऑफ, उसको ऐसा होता है ना वो बोल सकता है ना समझ सकता है ना सांस लेता है, ठहर जाता है। इसको कहते हैं मुकाम हैरत। तो ऐसी ही यदि गरज न होती है ऊपर के दर्जों के अंदर, उसकी वाइब्रेशन होती है तो उस वक्त समझना चाहिए कि मेरा जो रास्ता है वो बराबर है और मेरी गाड़ी चल रही है। दरवाजे के ऊपर गिरती है। दरवाजे के ऊपर गिरने का मतलब ये जो हमारे 10 द्वार हैं, वहां अमृत बरसता है और फिर उस आदमी की नौकरी में गुलामी में उसका हुक्म मानने के लिए एक गोरखनाथ बैठे होते हैं। गोरख एक बहुत बड़े जती साधु है और गोरख का कलाम चलता था, सब चलता था, बहुत बड़े महापुरुष है, बड़े आबिद थे। हमारे गिनानों में उनका बड़ा जिक्र है, यानी वो आबिद, वो इबादत करने वाला कि जिसने अपना सत चलाया और त्रिवेणी के अंदर स्नान किया, हरी जल के अंदर खुदा की नियामत वाला एक पानी के अंदर गुसल किया, यानी इबादत करके उस मुकाम पे पहुंचा, तो उसके दरवाजे के ऊपर, उसके तमाम दरों के ऊपर अमृत की बारिश होती है। और वो क्यों ऐसा कहा कि अंबर भरे, इसलिए कि वो बादल खलास होने वाले नहीं है। ये दुनिया के बादल बरस के तो खत्म हो जाता है, फिर फेर जाती है बारिश, मगर ये ऐसी बारिश है कि चालू रहती है, उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई खामी नहीं हो सकती। दुनिया में खैर करे, वाते भाचे
راہ مسافری ہیں، رہیں درگاہیں، پنجے بھائیں، عشق داریں، جملے جماعت جو خیر کرے، یا علی آل نبی اولاد علی جو خیر کرے، یا علی رکھی ظالم جے ظلم کر، یا علی رکھی شیطان جے شر کر، یا علی رکھی تنی کرا جنی کے تجھے سالہ، تو وہ شر شیطان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ شر ہے، اور جس طرح شر ہے اسی طرح سے اس کے سامنے خیر ہے، خیر امام کی طرف سے ہے، شر شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کے اندر ابھی میں نے آپ کو کہا کہ جو کچھ بھی ملے، اچرک ہونے کی حیران ہونے کی بات بھی ملے، تو ابھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، یہ ہے شر کا نہیں ہے کام، ادھر اس عبادت کے رستے میں کوئی بھی برائی کا کام ہی نہیں ہے، پنگلا پنگلا تمہارا سانس رائٹ سائڈ سے آوے کہ لیفٹ سائڈ سے آوے، اس کے اوپر تمہارا جاپ جپتا ہو، پنگلا پنگلا بولے راما، راما کا بھی مطلب خدا تعالیٰ کی نام ہے، تمہارا جو اسم اعظم ہے ہر سانس کے اوپر، چاہے وہ انگلا کا سانس ہوئے چاہے پنگلا کا سانس ہوئے، تم اپنے مولا کو یاد کرتے رہو، پر ایک پاٹھ میں میں نے بتایا تھا کہ جس کے اندر ایسا آتا ہے کہ اگم ارد ارد وچ تاڑی لاوے، تاڑی لگانا یعنی دھیان لگا، یکسوئی کر، کنسنٹریٹ کر، تو تاڑی لگاوے دس ہے یہ دعا، جتنے بھی اس کے یہ دس سٹیپس ہیں، منزلیں ہیں، ہر منزل کے اوپر وہ پورے دھیان سے کی عبادت کرتا ہے، اپنا دھیان لگاتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، اور جب اس کی یہ کنسنٹریشن ہوتی ہے تو پھر وہ حق جو اللہ کی ذات ہے، وہ نرنجن جو نظر نہیں آتا، وہ اہنکار جو قادر مطلق ہے، ہر کام کرنے والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تم اپنے دھیان لگاؤ، باقی کا وہ سب تمہارا ہاتھ پکڑے گا، سمجھ آ رہے اور بولا جائے گنان تو ستمت گنان میں مستی پیدا ہوتی ہے، صدق کرے جے کوئی، صدق کہتے ہیں سچا ایمان، دسون دیوے نے صدق رہ گنان کے اندر صدق کا شبد بہت جگہ آتا ہے، سچا ایمان جو ہے نا اس کو صدق کہتے ہیں، کہ جو آدمی صدق کرے
तो उसको क्या मिले? अजरिया कहते हैं जो ना मिलने वाली चीज हो गए जरे उसको मिले। अजरिया जरे सो अमर होई, ना मिलने वाली चीज भी उसको मिले और वो अमर हो जाए। सिद्क है वो सच्चा ईमान है, मुंह का नहीं अमल से भी। जैसे कि ऊपर के एक पुरानी में हमने पढ़ा के मनचा वाचा कर्मण, मन से अपनी वाचा से और अपने आमाल से अपनी देही को कसाओ और इस रास्ते के ऊपर चलो, वो सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा कि जो दुनिया कहीं उसका ख्याल भी नहीं कर सकती। और जिसने वो सुख नहीं पाया, वो सुख उसकी समझ में आ ही नहीं सकता। एक कुंवारी लड़की है, उसको यह पता है कि मैं एक दिन मां बनूंगी, मगर वो कितना भी अपने ख्याल के अंदर कल्पना करे, कितना भी सोचे, उसको वो सुख और ममता नसीब नहीं हो सकती जब तक के उसके पेट से बच्चा पैदा न हो गए, तब उसको भान आता है कि मां का प्यार क्या है। इसी तरह से इबादत के अंदर जो चीजें मिलती हैं वो कहीं नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, और अगर बता दे कोई तो सामने वाला समझ नहीं सकता। तो वो तो ऐसी चीज है कि जो वही जानता है जिसको चीज मिलती है। सच्चे ईमान के साथ जो आदमी चले, तो इसमें लिखा है अजरे अजरे न मिलने वाली चीजें उसको मिले और वो अमर हो जाए। दर्जे पे जाता है तो हमारी जो नौ नाड़ियां हैं, दो आंखें, दो कान, दो नाक के नक्सोरे, एक मुंह और पाखाना पेशाब की जगह, ये नौ नाड़ियों का खुदा ने प्लान बनाया, कोई मकसद से खाली देखना ये तो मकसद नहीं, उसका कोई भेद है। आंख से देखना, हम तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन क्या सचमुच देखने ही के लिए आंख बनाई? नहीं, आंखों के अंदर बड़े बड़े भेद हैं। आंख के अंदर इंसान का गुस्सा पता लगता है, प्रेम पता लगता है, हसद पता लगता है, ईर्ष्या पता लगती है, आंख बदल जाती है। सच्चे आदमी की आंख और होती है, बदमाश की आंख और किस्म की होती है, आंखें तो वही है। तो ये भेद है आंख का, ऐसे और भी कई भेद हैं। इसी तरह से कान के भेद हैं। तो जो आदमी इबादत करके इस दर्जे पे पहुंचता है जिसका बयान हो रहा है, तो फरमाते हैं कि नव नाड़ी का जाने के बाद उसको खुदा ने इंसान को जो नव नाड़ियां दी हैं उसके अंदर हकीकत फिलोसफी क्या मकसद और राज और भेद छुपा हुआ है वो उसको पता लगता है। और वो आदमी ऐसा होता है कि जितने भी फरिश्ते हैं उसकी नौकरी करते हैं, उसके घर में नीर भरने, सब देवा नीर भरे। यानी पहले जमाने के अंदर पाइप नहीं थे, तो जो गुलाम होते थे वो दूर माइल, दो माइल, तीन माइल जाके नदी से कुएं से पानी भरते रहते थे, हमेशा नौकरी करते रहते थे, खुद दुख उठावे, पसीने से रेप चेक हो जावे, सेठ के घर में टैंक मटके भरे रहते हैं। तो इसका मतलब के तां घर नीर भरे सब देवा, उसका मतलब ये है कि ऐसा आदमी जिसने नौ नाड़ियों का भेद समझ लिया,
सब फरिश्ते उसके नौकरी करते हैं, फरिश्ते उसके ताबेदार हो जाते हैं। देवा से मतलब फरिश्ते हैं। चलती होए ना तो उसको वो अंदर से देख सकता है। हवा के गैस सांस दिखती नहीं जाहिर की आंखों से, लेकिन उस आदमी को, उस आबिद को अपने अंदर सुखमना चल रही है, उसको वो देख सकता है। और क्या करे वो कि चांद सूरज के बीच में वो कनक का, गंदम का, गेहूं का ढेर बोवे। बाटी का मतलब गेहूं का ढेर। इसका एक मतलब है गेहूं के ढेर का नाम क्यों लिया कि जो अनाज में सबसे उत्तम अनाज जो है तो वो गेहूं है। दाल, चावल, बाजरा, जो कुछ भी है, इन तमाम अनाजों में से जो उत्तम अनाज है वो गेहूं है। इसके लिए नूर अहमद शाह ने उसका नाम दिया। गेहूं का ढेर हो है ना, उसको बाटी कहते हैं। तो चांद सूरज के बीच में अपना क्षेत्र बनावे। ये चांद सूरज कौन सा? इंगला पिंगला। इंगला पिंगला इन बीच, जब ये दोनों साथ चलती है ना तो ये बीच हो गया। यही सुखमना है। यहाँ वो क्षेत्र होता है, यहाँ सुरती लगाता है और अपने उस नक्श को, अपने बोल को याद करता है। तो उसको वो चीज मिलती है कि जो कहीं नहीं जा सकती, चांद सूरज के अंदर। चांद सूरज का एक और भी इसकी फिलोसफी है, महिमा है। और वो क्या है? सूरज इमामत है, चंद्र पीरी जोमा है। तो शाह और पीर के जोमे के बीच में उसका स्थान होता है, वो दोनों के बीच में रहता है, माँ और बाप के बीच में बैठा होता है। तो वो कितना प्यारा होगा मौला को और पीर को, शाह पीर को, अल्लाह रसूल को, वो कितना प्यारा होगा। सूरज इमामत का नूर है, चांद जो है वो पीरी नूर है। तो ऐसे आबिद को, ऐसे प्रेमी को ये दर्जा मिलता है कि वो शाह पीर के बीच में बैठा होता है। गाँव का ढेर, हाँ ढगला, ढेर यानी ढगला, ढगला पड़ा होगा गेहूं का, उसको ढेर कहते हैं। अच्छा वो बोला गुजराती में बोलो। अमृत मना करे समुंदारे बाई, अमृत मना करे प्याला अमृत पीए और उसका अपना मन ठंडा करे, यानी शांति उसको प्राप्त हो, एटर्नल पीस मिले, वो सुख मिले। हजरत इमाम के एक फरमान यह है कि दुनिया का कोई सुख उस जैसा नहीं
ایک دفعہ بولا فرمایا کہ کبھی تم نے کھانے کے اندر یا دولت یا اولاد یا تندرستی اس کا سکھ تھوڑا بہت پایا ہوگا، لیکن بیت الخیال میں تمہیں جو سکھ ملے گا تو ان تمام چیزوں سے پر ہے۔ تو آدمی امرت کی ہے، مولا کا پریم میں رہے وہ امرت ہے، اس کے دل میں ٹھنڈک رہے، شانتی رہے، اور وہ آدمی سارے برہمانڈ کے اندر کھیلتا ہو گیا، رمت کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اس کو کھلی جگہ پہ چھوڑ دو تو یہ کونے سے وہ کونے تک دما چوکڑی مچاتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے، اپنی خود کی ملکیت سمجھتا ہے، سارا برہمانڈ خدائی جتنی بھی ہے وہ وہاں آتا ہے جاتا ہے، سارے برہمانڈ کی سیل کرتا ہے، اس میں کھیل رمت کرتا ہے، موج مزہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ خدا نے کیا کیا بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھلے شریر میں بیٹھا ہو اس دنیا پہ مگر سارے برہمانڈ کی اس کو خبر پڑتی ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ کرو، نیک بنو، پوتر وچار بنو، ہمارے بنو،
बाकी मुझ पर छोड़ दो, तुमको बख्शीश दी जाएगी। तो प्रेम होना चाहिए तो फिर सामने से भी मौला का प्रेम भी होता है। अल्लाह ताला ने एक दफा हजरत दाऊद नबी को फरमाया, ये हदीस रसूलुल्लाह की है, नबी सर फरमाया कि दाऊद नबी को अल्लाह ने फरमाया, ऐ दाऊद मुझको प्रेम पैदा हुआ, अल्लाह कहता है मुझे प्रेम पैदा हुआ तब मैंने ये सृष्टि की रचना रची, नहीं तो मैं तो एक छुपा हुआ, लोगों को खबर भी ना थी, ऐसा गैब का एक खजाना, मुझे ये मन हुआ कि मैं सृष्टि की रचना रचू, मखलूक पैदा करूं तो वो मखलूक मुझे प्यार करे, मेरी ओरखान करे, मेरी मारिफत ले ले। मगर मखलूक दुनिया के अंदर आके खाना पीना ऐसा रंग में पड़ गए। इस जगह मौलाना अली शाह महाराज का मुझे एक फरमान याद आया, ये फरमान तुम लिख लेना, उसमें नहीं है। अली शाह महाराज वाली नमाज खाने के बाहर आए, उस जमाने के अंदर अभी भी है एक बड़ा हौज है, गोल गोल हौज कहते हैं पानी के पूल को, उसके अंदर सेंटर में एक फुवारा था। तो अली शाह महाराज इसके पहाड़ के ऊपर बैठ के जमात नीचे बैठी हुए थे, फरमान करते थे। अभी तो वाणी के लिए तो जिस दोस्त से अपनी हाउसिंग स्कीमें वगैरह हो गई, लेकिन मौलाना हाजिर इमाम ने फरमान किया कि ये जो हौज है ये मेरे दादा के पापा की टाइम का है, इसको तोड़ना मत रहने दे, हम इसको सलेती के साथ भर दिया, फूल दिया, लेकिन वो हौज पड़ा है। अली शाह महाराज फरमाया है जवान एक राजा था, उस राजा की जो मखलूकात थी, सल्तनत थी, रजत थी, बहुत सुखी थी, आबाद थी, राजा बहुत ताकत वाला था, लश्कर वगैरह भी बहुत था, तो आजू बाजू के सब राजा उससे लड़ते थे, उससे कोई दुश्मनी लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, बेहिसाब खाना पीना, बेहिसाब माल दौलत है, शराब रैयत ले आया, सब सुखी, कोई तरह की फिक्र चिंता नहीं थी। राजा ने एक बाग बनाया, बाग यानी बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा बनाया, कई बरस लगा के उस बगीचे के अंदर तरह तरह के फलदार दरख्त, झाड़, मेले वगैरह के उसके अंदर मकान बनाए, बहुत कुछ साजो सामान बनाया। जब वो तैयार हुआ तो उसने अक्षय अपने राज के अंदर मुनादी लगाई, यानी ऐलान किया कि ये बाग तैयार हो गया है, मैं उसमें जाके छुप जाऊंगा। शाम को मगरिब के वक्त ये बगीचे के दरवाजे खुलेंगे, सब कोई आओ, जो आदमी मेरे को ढूंढ लेंगे सुबह होने से पहले उसको ये बगीचा मैं बख्शीश दे दूंगा, सब चीजें उसके अंदर जो है उसके साथ। शाम को जब दरवाजे खुले तो सारी खलकत अंदर गई, अंदर गए तो देखा तो कहीं डांस हो रहा है, कहीं गाना हो रहा है, कंदोई हलवाई मिठाई बना रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, जिनको खाने का शौक था वो उधर बैठ गए, गर्मा गर्म जलेबियां आ रही हैं, समोसे आ रहे हैं, एक जगह शराब चल रही तो शराबी जाके उधर बैठ गए, गाने वालों का शौक था तो गाने के पास बैठ गए, नाचने का शौक था तो नाचने चल गए, जिसको जैसा शौक था हर शौक की चीजें अंदर पड़ी थी, सब लोग उसके अंदर मस्त हो गए। और वो ऐसी टॉप ग्रेड की चीजें थी कि किसी को दूसरा ख्याल ही नहीं आया। एक आदमी ने सोचा कि सुबह होने से तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा, ये चीजें सब मेरी हो जाएंगी अगर मैं राजा को ढूंढ लूं। किसी चीज ने उसको खींचा नहीं, सबको देखता रहा, ढूंढता रहा, सबकी शक्ल की तरफ देखे कि कभी राजा अपना रूप बदल के घूम रहा है।
बहुत घुमा फिरा इधर उधर गया, यारों दोस्तों ने बहुत बोला है, हाँ यार थोड़ा सा खाते यूँ करते 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 ऐसी जगह चला गया कि जहाँ लोग नहीं थे, अंधेरा था, कोई नहीं था, कई लोग जाते नहीं थे उधर डर के मारे थे शायद उधर कोई जानवर वगैरह होने गए था, मगर ये तो गया तो एक झाड़ी के नीचे राजा बैठा था। वहां जाके कहा कि तुम राजा है, वो बाहर निकला कहकर सच है मैं राजा, लेकिन मेरी इतनी बनाई हुई चीजें मुझे बिल्कुल पसंद न आई। कहते महाराज सब कुछ पसंद था लेकिन तू ज्यादा पसंद था, अब ये सब मेरा हो गया। और नारी शक फरमाया वो राजा खुदावन आरतीन है जिसने ये दुनिया बनाई, लोग खाने पीने बीवी बच्चे के अंदर माल मिल्कत के अंदर दुनिया की चीजों के अंदर मस्त हो गए हैं, राजा को भूल गए हैं, लेकिन कभी राजा मिल गया तो फिर सारी चीजें तुम्हारी है, किस घर नीर भरे सब देवा, तुम्हारे घर के अंदर फरिश्ते नौकरी करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा जो मतलब है ना वो बातूनी मतलब है, इस बातूनी मतलब का असर किसी को पता है जो जिसके ऊपर चले। अभी किसी को कोई सवाल है इसमें या लास्ट को किसी के अंदर